ओके स्टूडेंट्स, आई हैव अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर यू। और ये न्यूज़ है क्लास 9 एंड 10 के बच्चों के लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि डेट शीट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2021 कराची बोर्ड हैज़ बीन अनाउंस्ड। डेट शीट अनाउंस हो गई है आप लोगों की एनुअल एग्जामिनेशन की। आई विल डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास टेन की एग्जामिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्लास 9 की एग्जामिनेशन डेट शीट डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ डेट शीट ऑफ क्लास 10th। इसमें देखो आपके पेपर्स कैसे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला पेपर है मंडे को 5th July 2021 9:30 से लेकर 11:30 तक, और फिज़िक्स थ्योरी का पेपर है। ये पेपर है फिज़िक्स थ्योरी का, ठीक है। फिर वेडनेसडे 7 जुलाई को, सिर्फ एक दिन का गैप है, और 7 जुलाई को सेम टाइमिंग 2 घंटे का पेपर जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, मॉडल पेपर, वो पेपर है मैथमेटिक्स का। देन गोइंग टूवर्ड्स द नाइन्थ क्लास के 4 पेपर्स हैं। कुछ बच्चों ने केमिस्ट कंप्यूटर रखा होगा और दूसरों ने बायोलॉजी रखा होगा, तो अपने हिसाब से आप डेट शीट को देखो। 8 जुलाई से 9th क्लास के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 8 जुलाई से 9th क्लास के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 8 जुलाई को 9th क्लास का पहला पेपर है ऑफ मैथमेटिक्स। 10th को सैटरडे को दूसरा पेपर है कंप्यूटर साइंस स्टडीज़ का। मंडे 12th July 2021 टाइमिंग 9:30 to 11:30 केमिस्ट्री थ्योरी का पेपर है। वेडनेसडे को 14 जुलाई 2021 फिजिक्स थ्योरी, एंड फ्राइडे को 16 जुलाई 2021 को बायोलॉजी थ्योरी का पेपर है। 2 घंटे का पेपर 9:30 से 11:30 तक। लेट मी रीड यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है। ओके, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। सो दिस वॉज द डेट शीट। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। 10th क्लास के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 5th जुलाई 2021 को 9:30 से 11:30 तक। मैट्रिक क्लास का 10th क्लास का साइंस ग्रुप का पहला पेपर है फिजिक्स का। मैट्रिक क्लास साइंस ग्रुप का दूसरा पेपर वेडनेसडे को होगा मैथमेटिक्स का। सिर्फ 2 पेपर्स होंगे मैट्रिक के, फिजिक्स एंड मैथ्स के। क्लास 9 के 4 पेपर्स हैं। पहला पेपर थर्सडे को होगा 8 जुलाई को मैथमेटिक्स का, दूसरा सैटरडे 10 जुलाई को कंप्यूटर का, तीसरा मंडे 12 जुलाई को केमिस्ट्री का, वेडनेसडे 14 जुलाई को फिजिक्स का, और फ्राइडे 16 जुलाई को बायोलॉजी का पेपर है। अब आपने पैनिक नहीं करना, जो चीज़ें नहीं आती उनको प्रिपेयर करो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा थॉरो स्टडी करो, हर टॉपिक को बहुत गौर से बैठ के समझ लो, बस आप पास हो जाओगे। सिर्फ समझ लोगे आप पास हो जाओगे, आई गारंटी यू। क्योंकि जब MCQs में आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको एक बात पता होगी तो आप वो गलत कर ही नहीं सकते। फार्मूलाज याद करो, डेफिनेशन याद करो, और बात को अच्छे से समझ लो। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए।